तो आज के इस वीडियो में समान अध्ययन का 30वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो पिछले साल के पेपर देखते हैं, अगर आप चाहें तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, मतलब इनमें से कौन है जो कि सबसे पहले किया गया था। समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर बात करें कि अगर आप सबका टाइम पीरियड जानते तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती। जैसे अगर हम बीएचयू की बात कर लें तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, जिसको बम्बई यूनिवर्सिटी कहा जाता था, इसकी की गई थी 1857 में। इसके अलावा हम अलीगढ़ की बात करें तो 1875 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। तो ये सारे सन है, अगर आप इनको जानेंगे तो आप बता पाएंगे कि सही उत्तर होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। आपके चार विकल्प आपके स्क्रीन पर। देखिए, हुआ क्या था कि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लगभग 1600 के ईस्वी में, तो उसको चार्टर दिया गया था, मतलब पावर दिया गया था कि आप जाइए भारत में रूल करिए। भारत के अलावा कुछ एशिया वाले एरिया थे, हालांकि चीन नहीं था। बाद में इसको जब इंडिया का पावर छीना गया इससे, तो चीन के भी कुछ एरियो को दे दिया गया। चीन में इनके चाय के साथ इनका व्यापार करने को मिल गया, लेकिन चीन में जो इनका एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली, मतलब हम ही केवल करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, इसको खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट इसमें आया जो लगभग 20 सालों के बाद आया था इस तरह का, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक झटका मिला। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? चार विकल्प बताइए। देखिए, सही उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट 1998, क्योंकि 1998 में नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले परिसंघ बनाने के बारे में प्रस्ताव दिया गया। इसमें क्या था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होगी, मतलब कि डुअल सिस्टम, और यहाँ पे मंत्रालय होंगे और जो भी मंत्री होंगे विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। जैसे कि आज आप देखते हैं वैसे ही की बात की गई है परिसंघ के बारे में। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ये है आपके चार विकल्प। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कहिए या फिर इसे एक नियामक अधिनियम कहिए, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे रूल्स आए और सबको इंडियन एक्ट कहा गया। ये जो लाया गया था 1784 में, इसका उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि जो 1773 में एक्ट आया था उसके कुछ दोष थे, उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। मतलब कि जब पहली बार 1773 में आया था तो इसमें कुछ खामियां निकलने लगी, इसी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान करिए, ये है क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शन, बताइए। थोड़ा सा इसमें हम आपको ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे। देखिए, मिलान करने वाला है तो जरूरी है कि आपको सबका ईयर पता हो। अगर आप हंटर कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सही उत्तर होगा, यहाँ पे लिखते हैं सही वाला, 1882 होगा। अगर आप वर्धा स्कीम की बात कर रहे हैं तो ये आया था 1937 में। यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये आया था लॉर्ड कर्जन के समय पर, कर्जन मतलब कि 1904-1905। राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 में। अब तो हमने आपको बता दिया पूरा, आप मिलान कर सकते हैं। देखिए, पहला का चौथा सही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पहला का चौथा वाले यही दोनों हैं, बाकी ये गलत हो गया है। और इसके बाद से दूसरा का तीसरा है, यानी कि दूसरा का तीसरा केवल इसमें है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ASI परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया, मतलब जो हड़प नीति आई थी उसके अनुसार।
देखिए हड़प नीति आई थी तो इसमें कई सारे स्टेटों को हड़प लिया गया। हड़प नीति को कौन लाया? तो लॉर्ड डलहौजी। पूछा गया है बहुत बार, जो पहला जिसको पहले बार हड़पा गया था ये था सतारा 1848 में। क्या होता था कि अंग्रेज कुछ रूल्स बना देते थे और उनका पालन नहीं होने पे उनको हड़प लिया जाता था। इसके अलावा संबलपुर, इसको बहुत बाद में 1894 में लिया गया। झांसी को भी ले लिया गया क्योंकि झांसी की जो रानी थी वो भी 1857 के क्रांति में लड़ी, उनका मेन उद्देश्य यही था। इसके अलावा जो मैसूर है इसको नहीं लिया गया था। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन नहीं हड़पा गया, यानी कि आपका सही उत्तर होगा मैसूर। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे स्टेट है, झांसी के अलावा नागपुर को भी लिया गया था। नागपुर को लिया गया 1854 में। उदयपुर को लिया गया था 1852 में। सारे फैक्ट आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि माउंट बेटन प्लान जो कि जून 1947 में, निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? आपके विकल्प, देखिए माउंट बेटन जो प्लान आया था ये उत्तर पश्चिम सीमांत जो प्रांत था उसमें जनमत संग्रह कराया गया, ये प्रदान किया गया, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये एसएससी जेई सिविल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? देखिए जैसे कि आज आप देखते हैं कि आपको पावर मिलती है किसी के खिलाफ बोलने की, तो ये पहले भी था क्योंकि ये 1800 से ही हमें मिल गया था। हालांकि ये अच्छे से नहीं मिला तो उसको चुप कराने के लिए, क्योंकि इसी में प्रेस भी था, प्रेस कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लिख रहा था, तो इसे चुप कराने के लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया? 1878 में। किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिट्टन से। लॉर्ड लिट्टन ने इसको 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। अब इसमें क्या था कि जो भी जिला के मजिस्ट्रेट थे उनको कहा गया कि जो भी प्रिंटर या फिर प्रकाशक हैं कुछ ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे जिससे सरकार की किरकिरी हो। अगर कोई इस तरह की उनको लगता है कि इस तरह में कोई विवाद हो सकता है तो उसके लिए उनको अपने जिला मजिस्ट्रेटों से परमिशन लेना होगा। अगर पास हो जाता है तब आप उसे प्रिंट करेंगे। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2017 में। अगला है कि टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहां से कहां तक बिछाई गई? आपके 4 विकल्प और 5 सेकंड समय। देखिए हम बात कर रहे थे टेलीग्राफ लाइन के बारे में, तो ये जो हुगली मतलब कि जो कलकत्ता वाला इलाका था वहां पे जो व्यस्त शिपिंग मार्ग है वहां पे सबसे पहले बिछाया गया था। ये कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार बिछाया गया। सन की बात करें तो ये है 1851। इसके बाद ये आगरा में भी चला 54 में। इसके बाद से ये और भी जगहों पे लाया गया जैसे कलकत्ता, वाराणसी, अन्य शहरों में उसके बाद इसको लाया गया। सही उत्तर होगा कलकत्ता से आगरा। अगला है कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडीथ के नाम से कविताएं लिखवाता था? इसके लिए आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, ये कब से कब तक रहा ये जान लीजिए, 1876 से रहा 1880 तक। तो ये जो था ये अपनी जो कविताएं थी उनको ओवेन मेरेडीथ के नाम से लिखवाता था। इनके समय पे कई सारे काव्य प्रकाशन हुए हैं जैसे आफ्टर, पैराडाइज, कई सारे पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है टायर 1 में 2018 में। देखिए ये क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। तो जरूरी है कि जो हम ये सीरीज शुरू किए हैं जिसमें लगभग 200+ वीडियो होंगी तो आप उनको जरूर देखिए। सुबह और शाम दोनों समय आपको ये लाइव वीडियो मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेंगे तो जो भी वीडियो आपको मिलनी होगी उसको 2 घंटे पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाता है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और आप वहाँ पे सेट रिमाइंडर कर लेंगे तो आपको जब वीडियो लाइव होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए
समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया। ये था सन 1856। 1856 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जहां से मतलब कि अगर कंपनी के काम के लिए किसी भारतीय सैनिक को कहीं जाना है तो उसे समुद्री यात्रा पे जाना पड़ेगा। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसको 1856 में अनिवार्य कर दिया गया। ये CHSL में पूछा गया है। अगला है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? जो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की हम बात कर रहे थे, ये डफरीन की योजना पे था, यानी कि सही उत्तर होगा डफरीन योजना। यहाँ पे क्या था कि जो कई विधान परिषद थे उसको पावरफुल किया गया, मतलब कि विधान परिषद में पहले उसको उतना पावर नहीं मिला था तो उसे ज़्यादा पावर दिया गया। ये क्वेश्चन CHSL टायर वन में पूछा गया है 2016 में। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये डाक टिकट जारी किया गया पहली बार लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे, और ये जो चिपकने वाला टिकट आप देखते हैं वो था, सन की बात कर लें तो ये है 1852। तो ये टिकट गोल आकार के होते थे। आज के समय जो आप टिकट देखते हैं अधिकतर स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन उस समय जो टिकट जारी किए गए थे वो सारे स्क्वायर होते थे। बाद में धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 कब से 23 दिसंबर 1919 से लागू हो गया? इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। देखिए, कुल मिला के ये पूछा गया है कि जो 1919 में अधिनियम आया, ये इसका दूसरा नाम क्या है? हमने आपको इसके पहले वाली वीडियोज में बताया था, या अब अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको मिला होगा कि दो रिपोर्ट आप बिल्कुल याद रखिए, 1909 मार्ले मिंटो और 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ये दो रिपोर्ट याद रखिए, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं यही पूछा गया है। आपका सही उत्तर होगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। देखिए, यहां पे अगर ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में क्या था, तो इस अधिनियम में ये था कि मुसलमानों को इसके अलावा जो लोग भी अलग प्रतिनिधित्व चाहते हैं सबको अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। हालांकि इसके बाद जब साइमन कमीशन आया तो उसका जोरदार विरोध हुआ, और साइमन कमीशन का विरोध होने का एकमात्र कारण ये था कि उसमें कोई इंडियन नहीं था। हालांकि साइमन कमीशन ने इसको रीड किया और इसको जो ये अलग अलग सिस्टम वाला था इसको हटाने के लिए सिफारिश भी किया। ये क्वेश्चन असम राइफल 2019 में पूछा गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को। साइमन कमीशन के भारत आने का जो मेन कारण का था, 1919 में जो अधिनियम आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको रेड करना। जैसे ये कानून लगा दिया गया तो अब ये लोग करीब करीब 9 साल बाद आए थे ये देखने के लिए कि जो कानून लगाया गया है उसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसको सुधारने के लिए उसके बारे में बात करने के लिए लोग आए थे। इनकी संख्या 7 थी। हालांकि इसका जोरदार विरोध हुआ। विरोध होने का कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। लोगों को डर था कि जब कोई भी इंडियन नहीं है तो इंडियन के अधिकार की बात कोई कैसे करेगा। हालांकि जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसी के आधार पर 1935 का कानून बनाया गया। 1935 के कानून में आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है 2019 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरम उत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है कहाँ पे? बात की गई है विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। इसको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ऑफ फेम बोलते हैं और यह है कोलकाता में। कहाँ पर है?
कोलकाता में यह एक संगमरमर की इमारत है और इसको करीब करीब 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। क्वीन विक्टोरिया थी, उनके स्मृति में इसको बनाया गया। अगर आप क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड को देखेंगे तो ये है 1819 से लेकर के 1901। तो ये 1901 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 1906 में लॉर्ड कर्जन ने इसको कोलकाता में बनवाना शुरू किया, जो कि 1921 से पहले पहले कंप्लीट कर लिया गया। सीजीएल में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, यूजीसी के बारे में बात की गई है तो इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आपके सारे ऑप्शन भारत सरकार वाले हैं अगर इसको आप स्किप कर दें तो, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यह एक वैधानिक, मतलब कि वैधानिक निकाय है। जो यूजीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया है। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएं। सुबह में ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपको लाइव मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको वो वीडियो मिल पाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या था? यहाँ पे आपके चार विकल्प हैं और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पुराने पत्तन का नाम बताइए, तो ये होगा कोलकाता पत्तन। अगर आप कोलकाता बंदरगाह के बारे में देखेंगे तो ये सबसे पुराना परिचालित बंदरगाह है जिसका शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ये सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा जा चुका है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, पूछा गया है कि जब ये टाइटल एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे? ये थे बेंजामिन डिजराइली। बेंजामिन डिजराइली एक कंजर्वेटिव पार्टी के एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं और ये दो बार रहे प्रधानमंत्री। एक बार 68 में रहे और एक बार 74 में रहे। तो ये दो बार वहाँ पे रहे और जब ये टाइटल एक्ट बनाया गया तब भी वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी कहाँ पे? देखिए, ये गए थे वहां पे निरीक्षण करने के लिए 1872 में, लेकिन अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनको जाना जाता है पहली बार जनगणना के लिए। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में इसको दोबारा जनगणना किया गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डाटा नहीं रखा गया था लेकिन यहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया, जो कि आज भी होता है हर 10 साल पे। 2011 में हुआ, 2021 में होगा, तो इस तरह से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? कौन है जिसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया? देखिए, जब 1857 की क्रांति होती है तब वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और कहा गया कि अब भारत पे रूल करेगा ब्रिटेन का संसद। जब ब्रिटेन का संसद रूल करेगा तो वहां पे एक पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए एक मंत्री बनाया गया। जैसे आप देखते हैं रेल के लिए मंत्री, तो उसी तरह भारत के लिए एक मंत्री बनाया गया था। तो जब भारत के लिए एक मंत्री बना दिया गया तो उसका प्रतिनिधि, जैसे कि राष्ट्रपति का राज्यपाल होता है, तो उसी तरह उसका प्रतिनिधि भारत में बनाया गया और ये था लॉर्ड कैनिंग। बात हो रही है 1858 की, मतलब कि 57 के बाद। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था। यह है भारतीय शासन अधिनियम 1919। दो अधिनियम है, खूब पूछे जाते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो कब? 1909। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2019 में। अगला है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? देखिए, जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए थे करीब करीब 1835 या फिर 38 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद, उनके बाद एक व्यक्ति आया और ये था वुड डिस्पैच।
उड का नीति पत्र। उड के नीति पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को, मतलब इसने अंग्रेजी शिक्षा को इतना अनिवार्य कर दिया गया कर दिया कि इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। अब इसमें मुख्य उद्देश्य इसके क्या थे? उसके उद्देश्य ये थे कि लोगों को पश्चिमी संस्कृति के बारे में जानकारी देना, इसके अलावा जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं उनको एक ज़्यादा जानकारी देना ताकि वो लोग पश्चिमी लोगों के हिसाब से ढल सके। और ये तर्क दिया गया कि अगर आप इस शिक्षा को पालन करेंगे तो आपका चरित्र का उत्थान होगा। हुआ गलत, ये और नीचे गिर गया, एमटीएस से पूछा गया है। हालांकि कई चीज़ें अच्छी थी, इंग्लिश को लागू करना बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किए थे? यह है दक्षिण भारत, मतलब एक शब्द में कहें तो दक्षिण भारत। लेकिन अगर आप क्षेत्र को अलग अलग देखेंगे तो चेन्नई मतलब मद्रास उस समय कहा जाता था, बॉम्बे, असम का कुछ भाग, और ये सारे रैयतवाड़ी में थे। अब इसमें होता क्या था कि जो भी जमींदारों के पास भूमि थी उनसे लेकर के किसानों को दे दिया गया मालिकाना हक, और जो टैक्स देना था अब सीधे सरकार किसानों से टैक्स लेती थी। और यहाँ पे किसानों को, मतलब सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, ये टैक्स 50% तक हो जाता था, कभी कभी तो 60%, तो इससे सरकार को काफ़ी फायदा होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, ये किसने दिया था? अभी हमने आपको इसी वीडियो में उसको बताया है। सही उत्तर होगा इसके लिए देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जब इसको दिया तो कई सारे शहरों को इसने अपने अंदर ले लिया। 1848 से शुरू की गई, पहला जो शहर था ये था सतारा, ठीक है। तो बस अब ये जानिए कि सतारा के साथ जयपुर को भी लिया गया था, कब, 1849 में। संबलपुर को भी 49 में लिया गया, उदयपुर को 52 में लिया गया, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 में। अगला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1872 में प्रत्येक जिले में दो अदालतें निर्मित की जिनमें एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? बताइए। देखिए टाइमर कुछ लोगों को इरिटेट जरूर कर रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह उत्तर देंगे तो आप एक तय समय में उत्तर देने वाले बन सकते हैं। सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। अगर आप 1772 की बात करें तो ये 73 से लेकर 85 तक रहा और इसने फौजदारी अदालत वाला सिस्टम लगाया। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने एक कोड दिया जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए बनाया गया था? यह है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इसमें क्या हुआ कि जो राजस्व वाला काम था यह अलग हो गया और जो न्यायिक प्रशासन वाला काम है यह अलग हो गया। पहले इससे होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो ये बस एक कंपनी है, सभी कामों को देखती थी। लेकिन बाद में जब लॉर्ड कार्नवालिस आए तो इन्होंने इसको अलग अलग किया। ये क्वेश्चन दिल्ली एएसआई पुलिस 2019 में पूछा गया है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बेट बिल से संबंधित था? सही उत्तर होगा वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1883 में भारत आए और ये जो इल्बर्ट बिल था उसे लागू कराया था। सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन 2019 में दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सही उत्तर होगा जेम्स राम से मैकडोनाल्ड। देखिए इनको हम जानते हैं सांप्रदायिकता के लिए, इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। ये बात हो रही है 1932 की और डेट की बात करें तो ये था 16 अगस्त। तो इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया है 2019 में। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया? सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बैटिक। बात हो रही है 1829 की, जब लॉर्ड विलियम बैटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया, इसे दंडनीय भी बनाया गया। इसमें पूरा सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने।
देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन के दौरे पे हुई थी, तो कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर वन में 2020 में पूछा गया है, कोरोना से पहले जो एग्जाम हो रहे थे उस समय। अगला है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से वह कौन किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कई लोग तो मानते ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय विद्रोह था। कारण क्या है? कारण ये है कि ये गुटबाजी के तौर पे हुआ। पहले लखनऊ हुआ, जब लखनऊ दब गया तो कानपुर, फिर झांसी, उदयपुर, इस तरह। तो ये कभी एक साथ नहीं हुआ। कई सारे लोग इसे राष्ट्रीय नहीं मानते हैं, लेकिन ये था डिजराइली। डिजराइली ने स्वीकार किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और इसने ब्रिटेन को हिला करके रख दिया। और वास्तव में इसे आप कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा लिया गया, यहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट रूल करने लगी। मतलब कि पूरे विश्व के देखने में ये लोग अच्छे बन गए। ये सीजीएल टायर वन 2011 में पूछा गया है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च, इसके अलावा मेरठ में हुआ 10 मई, दिल्ली में हुआ 11-12 मई, इसके अलावा क्या छूट गया? तो ये छूट रहा है झांसी, तो झांसी में हुआ 5 जून। अब आप खुद क्रम लगा लीजिए कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। इसका क्रम होगा पहले डी 29 मार्च, उसके बाद से बी यानी कि 10 मई, उसके बाद से सी यानी कि 11-12 मई मतलब दिल्ली, और बाद में सबसे बाद में झांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 10+2 LDC परीक्षा में पूछा गया है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? देखिए, बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे नाना साहेब, और इनका दूसरा नाम था धोतू पंत। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2012 में पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, बताइए। इनको बोलते हैं हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वृद्ध पुरुष। तो ये है दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट तो होता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम। और इन्होंने कब किया? तो 1885 में। कभी कई सारे लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसने अच्छा काम किया। भले ही इसने 1905 तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन 1905 के बाद इसने काफी अच्छा काम किया। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए? यह है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट को कलकत्ता के अधिवेशन में बनाया गया था। कोलकाता, ये 32वां अधिवेशन था और यह हुआ था 1917 में। 1917 में इसको बनाया गया, और सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार, 14, 16, 14, 14, 15, कितनी बार रिपीट किया गया है। हर बार ये सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ये भी याद रखिए। कलकत्ता में 32वां सेशन था और 1917 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? सही उत्तर होगा बाबा गुरदित सिंह। देखिए, गदर पार्टी में लाल बाल और पाल थे, तो इसके अलावा भी कई सारे लोग थे। इसमें लाला हरदयाल भी थे, मोहम्मद वरकतुल्ला भी थे और सोहन सिंह भाकना भी थे। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। कहीं कहीं जॉर्ज यूल दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको जॉर्ज यूले दिखता है। सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और इनको इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, अब तो प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था। तो उस समय जब
88 में सेशन हुआ, ये चौथा सेशन था, तो उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया। अगर इससे पहले आप देखेंगे तो इनसे पहले बकरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, जाट जीवले दो बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा अच्छा है, प्रथम अधिवेशन ये किया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 में, ठीक है, और ये किया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ब्योमेश चंद बनर्जी। तीन बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए अगला है कि कुलोमिंतांग क्या है। कुलोमिंतांग शॉर्ट फॉर्म इसको केएमटी बोलते हैं, तो ये एक नेशनल पार्टी ऑफ चाइना है, यानी कि यह एक चीन की राष्ट्रवादी पार्टी है। कुओ मिंतांग, तो इस तरह आप बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चाइनीजी है। ये एमटीएस में पूछा गया था 2010 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसको, 1885 में हुआ, ए ओ ह्यूम ने बनाया, बताइए। ए ओ ह्यूम ने बनाया, 1885 में हुआ, और ये हुआ था बंबई में। कहाँ पे? बंबई में। कहीं कहीं आपसे डेट भी पूछा गया है तो बता दीजिए, 28 से लेकर 31 दिसंबर तक। सही उत्तर होगा आपका बंबई। क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। तो अब ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या पूछा जाएगा? अगला है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर 1919 की बात करें तो यहां पे एक रॉलट एक्ट आया था, रॉलट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। गांधी जी आ चुके थे 1915 में, काला कानून। अब काला कानून इसलिए कहा कि रॉलट एक्ट में ये कहा गया था कि जैसे आज के समय पे आप देखते हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 21 के तहत। आपको बताना होगा पुलिस को कि क्यों गिरफ्तार किया है, आपको कोर्ट के सामने 24 घंटे में पेश करना होगा, और आपको आपके पसंदीदा वकील से सलाह लेने की छूट होगी। तो अगर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में ले जाना ही होगा, चाहे मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, मतलब छोटा से छोटा कोर्ट ना हो, कैसा भी हो आपको ले जाना होगा। उस समय भी था कुछ इस तरह की प्रक्रिया, लेकिन जब रॉलेट एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति पर शक होगा तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और 3 महीने तक जज के सामने नहीं रखेंगे। 3 महीने बाद अगर हमें लगेगा कि नहीं अब इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देंगे। इस समय जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका वाला जो सिस्टम देखते हैं कुछ उसी तरह था, लेकिन रासुका सब पे नहीं लगता है, उस समय वो रॉलेट एक्ट किसी पे लगा देते थे। तो अगर 3 महीने बाद पुलिस उनको छोड़ भी देती थी या फिर 3 महीने से अगर ज़्यादा रखना है तब उसे कोर्ट में लिया जाता था। इसके लिए कहा गया कि न अपील, न दलील, न वकील। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से इसकी तुलना कर ही रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी एक्ट के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए, तो पंजाब के 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए। अमृतसर में जो दिन था ये था 13 अप्रैल का, लोग इकट्ठा हुए और निहत्थे इकट्ठा हुए, उन लोगों पे जो जनरल डायर था इसने गोलियां चलवा दी। 1000 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि जब अंग्रेजों ने जांच कराई तो उन्होंने कहा कि केवल 369 लोग मारे गए हैं, जो कि पूरी तरह गलत था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। अगला है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। यह है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये अंग्रेजी पत्रकार था, पत्र था, समाचार पत्र, और 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1-2 बार इस पर रोक भी लगाया, ये CHSL में पूछा गया है। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था, किस खेती के विरुद्ध? गांधी जी के लिए ये बड़ा अच्छा साबित हुआ,
बात हो रही है 1917 की, ये था नील खेतिहर। देखिए क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती हो, जो भी आपका खेत है उसमें एक तिहाई नील की खेती हो, और इस पे उनको टैक्स मिलता था। तो इसको किसानों का शोषण होता था, इसको लेकर के गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया, और इसमें गांधी जी को कामयाबी भी मिली। तो ये चंपारण है, मतलब कि आज के बिहार में, आपने पढ़ा होगा जरूर, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये तो मतलब सबको पता होना चाहिए, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए कितने बार ये पूछा गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप परीक्षा में क्या पढ़ के जाएंगे। तो इस तरह चलिए एक और आप बताइए, करो या मरो, डू आर डाई, ये किसने कहा था, ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों समय ये वीडियो लाइव मिलती है, समय जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन, यह है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे, इसके अलावा ये विद्वान भी थे, तो इन्होंने गदर आंदोलन में काफ़ी कुछ मतलब जो गदर आंदोलन था ना, आप ये कह सकते हैं कि इनके ही दिमाग की उपज थी। ये क्वेश्चन 17, 1, 11, 14, 14 इतने बार रिपीट हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पिछले वाली वीडियो में हमने इसका उत्तर बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पर भी बता देंगे। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में इसकी स्थापना की। ये एक धार्मिक हिंदू नेता थे, संस्कृत के प्रखर विद्वान भी थे। इन्होंने कहा था कि गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर चलो। 1876 में इन्होंने एक नारा भी दिया, इंडियन फॉर इंडिया, भारत भारतीयों के लिए। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे पूछे जाते हैं, ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो बताइए कि ये कविता किसने लिखी है? इसको लिखा गया है बिस्मिल अजीमा बागी के द्वारा, और इसको 1921 में पटना में लिखा गया, तो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय ये काफ़ी जोर शोर पे था, सरफरोशी की तमन्ना। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, इसकी उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916, इसको कराया था। देखिए हुआ क्या था, 1907 में सूरत में विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल का, ये लोग अलग अलग काम करने लगे। गरम दल को नरम दल वाले पसंद नहीं, नरम को गरम दल वालों की स्टाइल पसंद नहीं, तो ये लोग अलग अलग काम करने लगे। लेकिन कांग्रेस का सेशन एक ही होता था, तो सूरत में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो ये लोग अलग हुए, लखनऊ में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो ये लोग मिल गए। तो इसको मिलाने में जो काम किए ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, सीजीएल टायर वन। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ये हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन SSC 10+2 में पूछा जा चुका है। इसके इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो पहले कमेंट पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।